केजरीवाल का एक पैटर्न है, कुछ शब्द सुनिए। दिल्ली में अपने उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग, कई लोग आए मेरे पास, यूपी के लोग मेरे पास आए। आप उत्तराखंड में आके चुनाव लड़िए, ये आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। केजरीवाल के झांसे का एक और पैटर्न है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि केजरीवाल के शब्द ही इसका रहस्य खोल देते हैं। आप खुद सुनिए। उत्तराखंड में सर्वे कराया और सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े, तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। नेट के ऊपर मिस कॉल करके वादा कर रहे हैं कि इस बार दोनों पार्टियों को भी और एमएलए को भी हम वोट नहीं देंगे, इनको मजा चखाएंगे। आम आदमी पार्टी ने एक प्रोफेशनल एजेंसी की सहायता से सर्वे कराया है दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर। जो सीटों का आकलन है वो ये है कि 272 में से 218 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस पैटर्न से केजरीवाल के बारे में आपको कुछ समझ में आया? अगर अब भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट रखूंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दरअसल केजरीवाल इतने डरपोक व्यक्ति है कि अपने फैसले की अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए फर्जी सर्वे का सहारा लेते हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर ही मढ़ देते हैं। अब मैं आपको उनके फर्जी सर्वे के बारे में बताऊं, उससे पहले साल 2011 का अन्ना का आंदोलन आपको याद दिलाता हूं। उस दौरान भी उन्होंने फर्जी सर्वे का सहारा लिया था, और क्यों लिया था? क्योंकि उनको अन्ना से अलग होना था, उनकी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की थी, सत्ता में आने की थी, तो उन्होंने उस दौरान भी एक फर्जी सर्वे का सहारा लिया था और आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। और वही पैटर्न केजरीवाल ने चुनाव के दौरान भी बना रखा है और लगातार हर चुनाव में ऐसा करते हैं, यही मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। एमसीडी यानी राजधानी दिल्ली का जो स्थानीय चुनाव है ना, उस समय हो रहा था, केजरीवाल की सरकार सत्ता में थी और सर्वे की आड़ में उन्होंने कितनी लंबी लंबी डींगे हाकी थी। आप ये देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा है। आप लीडर आशीष खेतान सेड दैट एज पर द सर्वे द पार्टी विल विन 218 of 272 सीट्स, मतलब 272 में 218 सीट जीतने का दावा किया था, लेकिन हकीकत क्या थी, जो सच्चाई है, रिजल्ट क्या निकला वो भी आप देख लीजिए। जिस दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और तीनों कॉरपोरेशन में चुनाव लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी, देखिए करारी हार हुई, भाजपा को तीनों कॉरपोरेशन में प्रचंड जीत मिली। तो ये रहा 2017 में एमसीडी चुनाव को लेकर के केजरीवाल का फर्जी सर्वे। 2019 का लोकसभा चुनाव वैसे तो पूरी दुनिया के लिए बहुत विशेष रहा, लेकिन दिल्ली के लिए जहां केजरीवाल हैं वहां और भी विशेष रहा। एक बार फिर केजरीवाल एक फर्जी सर्वे लेकर आए और उन्होंने क्या कहा ये भी देखिए। उन्होंने कहा कि वो सातों सीटें जीत रहे हैं दिल्ली की। आवर सर्वे सेज आप विल विन ऑल 7 दिल्ली सीट्स विदाउट कांग्रेस, सेज केजरीवाल। अच्छा याद होगा आपको, पहले वो चीख चीख के यही केजरीवाल बोल रहे थे कांग्रेस से कि हमसे मिल जाओ, हमसे समझौता कर लो, हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ लो, ये वो, लेकिन कांग्रेस तो लड़ नहीं रही थी उसके साथ मिलकर के। दिल्ली की बात कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव की, सबको लग रहा था हम जीत जाएंगे। तो केजरीवाल ने फर्जी सर्वे दिखाया, बाद में ये भी कहा, आप दूसरी रिपोर्ट में भी देखिए कि बिना कांग्रेस के हम सातों सीटें जीतेंगे, लेकिन सच्चाई क्या थी। राज्य सरकार होते हुए भी केजरीवाल की प्रचंड हार हुई, सातों की सातों सीटों में केजरीवाल की करारी हार हुई और भाजपा को प्रचंड जीत मिली। एक बार फिर दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के फर्जी सर्वे का जो है भंडाफोड़ हो गया। अब आप गोवा में आइए। गोवा में 2017 के चुनाव में केजरीवाल लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनको जहां भी हल्की आहट मिलती है ना वो लग जाते हैं। अब लगने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यहां फिर एक फर्जी सर्वे लेकर पहुंच गए और देखिए क्या कहा कि क्लीन स्वीप करेंगे।
खुद के लिए करीब 42% वोट। आप देखिए इस आम आदमी पार्टी गोवा का ये ट्विटर हैंडल है, और भाजपा कांग्रेस को मिलाकर इतना भी वोट नहीं मिलेगा। ये था क्लीन स्वीप की बात कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या थी? आपका खाता तक नहीं खुला, आप फेल्स टू ओपन इट्स अकाउंट इन गोवा। ये गोवा में 2017 का फर्जी सर्वे। अब आप 2022 में आइए, एक बार फिर केजरीवाल ने इसी तरह के फर्जी सर्वे का सहारा लिया। द रिसेंट इंटरनल सर्वे कंडक्टेड बाय द पार्टी सिग्नल्स दैट ऑन 10-12 सीट्स द पार्टी हैड ए गुड चांस, वाइल ऑन 4-5 सीट्स मोर वर्क इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। मतलब लास्ट में ये आते आते पूरा इसी सर्वे के आधार पे कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे, और यहां तक कि केजरीवाल ने, आप ये देखिए, अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया अमित पालेकर को। लेकिन नतीजा क्या निकला ये भी समझ लीजिए, आपके मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ही चुनाव हार गया, और 39 सीटों में से 35 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई। ये है यहां पर केजरीवाल का फर्जी सर्वे और उसका नतीजा। अब उत्तराखंड पर आते हैं, यहां भी केजरीवाल ने कई कहानियां सुनाई, मनमोहक कहानियां, मनोहर कहानियां, जानते हैं ना, वैसी ढूंढ कर निकालते हैं, एकदम जैसे कहते हैं ना, ईमानदार आदमी की छवि, सहज आदमी, आम आदमी कैसे दिखेंगे, तो फटे कपड़े ये वो जैसे भी करना है कर लो आप। यहाँ पर केजरीवाल का वो बयान सुना, एक छोटा हिस्सा फिर सुन लीजिए आप, तब आपको आगे की बात बताता हूँ। उत्तराखंड में सर्वे कराया और सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े, तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, और 62% लोग चाहते हैं, उनको खुद ही कहानी बना के सुना दिया। और स्थिति यह है कि इस व्यक्ति ने और इस पार्टी ने वहां जश्न मनाना शुरू कर दिया जीत का। यह भी आप छोटा सा कुछ सेकंड का क्लिप देख लीजिए। अब सच्चाई भी देख लीजिए क्या स्थिति है। 70 में से 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, 67 उम्मीदवार, 67 कैंडिडेट्स की, और इसमें उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी शामिल हैं, आप ये देख लीजिए। और एक चीज याद रखिएगा कि ये सारी जब चीजें हो रही हैं, फर्जी सर्वे, फर्जी कहानियां, तो उसके बाद ये बेशर्मी से फिर लोगों के बीच आते हैं और ये कहते हैं कि वो क्यों हार गए। देखिए, क्योंकि मतलब हमारा फोकस तो पंजाब था, यानी बाकी राज्यों में लोगों की भावनाओं से क्या आप खिलवाड़ कर रहे थे? आप जो जाकर के लोगों को बता रहे थे कि 62% लोग कहते हैं, 80% लोग कहते हैं, अपना उम्मीदवार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट दे रहे हैं, बाकी पार्टियों को गाली दे रहे हैं, तो ये क्यों किया जा रहा था? क्या आपको ये लगता है जनता बेवकूफ है? आप उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे थे। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब केजरीवाल उन्हीं फर्जी सर्वे का सहारा लेकर गुजरात पहुंच गए हैं, जहां पर अगला विधानसभा चुनाव है। और याद रखिए कि फिर वही कहानियां, फिर वही दावे, और फिर वही आम आदमी पार्टी का जो मतलब जो झाड़ू लगाने वाले पत्रकार हैं ना, वो सर्वे को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं। अब देखिए, ये एक है आप गुजरात का दावा, एक सर्वे के मुताबिक गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी 55 से 60 सीटें जीत रही हैं, 55-60 सीटें। आपका आंतरिक सर्वे में दावा NDTV का है, एक ABP न्यूज और एक NDTV, गुजरात चुनाव में उसे 58 सीटें हासिल होंगी, कहा बीजेपी भी ये मान रही। कहने के लिए कहा जा सकता है कि भैया इसमें क्या गड़बड़ी है, न्यूज है। तो सवाल ये है कि अगर आप न्यूज दे रहे हैं, एक व्यक्ति जो लगातार झूठ बोल रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप न्यूज दिखा रहे हैं तो आपने उसका परिणाम क्यों नहीं दिखाया? आप क्यों नहीं बताते कि इसके सारे सर्वे झूठे होते हैं? ये लिखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल का फिर से झूठा दावा, झूठा सर्वे। आप वो तो बताते नहीं, लेकिन लोगों में चुकी माहौल बनाना है, लोगों की भावनाओं को भड़काना है और खिलवाड़ करना है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए उन्होंने 58 सीटें, 60 सीटें जीतने का दावा कर दिया, और अलग अलग है, एक 55-60 बता रहा है और दूसरा 58 बता रहा है। अब आपको इसकी हकीकत अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 2017 में जो गुजरात का विधानसभा चुनाव, ऐसा ही माहौल केजरीवाल ने बनाया था, सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, और नतीजा क्या निकला वो आप देख लीजिए।
कि जितने के जितने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं सबकी जमानत जब्त हो गई, हार जीत की तो बात ही छोड़ दिए, जमानत तक जब्त हो गई सभी उम्मीदवारों की जो बड़े बड़े दावे और फर्जी सर्वे लेकर के वहां पर पहुंचे थे। और आप आगे एक रिपोर्ट देखिए, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं गुजरात में उनको नोटा से भी कम वोट मिला, ये है उनके फर्जी सर्वे की सच्चाई। साथियों आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार निरंकुश सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए इमरजेंसी का सहारा लिया था, ठीक उसी प्रकार केजरीवाल संविधान से इतर निरंकुश शक्तियों को अपने हाथ में बनाए रखने के लिए, अपने पास बनाए रखने के लिए फर्जी सर्वे का सहारा लेते हैं। संविधान के इस बदनुमा दाग को मैं उम्मीद करता हूं कि जनता जल्द ही समझ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।